हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं शरण्या को कान्हा बनाने जा रही हूँ। शरण्या मेरी बेटी जो 2 साल की है, उसे आज मैं कान्हा का गेटअप दे रही हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है या थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और ये लुक शरण्या पे कैसा लग रहा है पक्के से मुझको बताइए। अब ये आई मज़े करने के लिए और ये भाग रही है क्योंकि इसके हाथ में चॉकलेट था, तो उसे लगा एक्चुअली वो चॉकलेट नहीं है, वो पीनट से बना हुआ चॉकलेट है। जो पीनट है उसमें एक राइस रैप है, राइस का कवर रैप है, तो ये बहुत ही उसको पसंद है तो वो खाती है और मैं भी उसको दे देती हूँ। और ये देखिए ये ठुमक ठुमक कान्हा हमारे कैसे चलते गए। कान्हा के गेटअप के लिए लगेगा हमें दुपट्टा। और मेरे पास मोरपंख नहीं थे तो मैंने ईयरिंग लिया मेरा। आप कुछ नेकलेस ले सकते हैं, पायल ले सकते हैं, अगर आपके पास हाथ का है बांधने वाला तो हाथ का बांधने वाला यूज़ करिए। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने राखी यूज़ किया, जो जो मेरे पास DIY मैंने यूज़ कर सकते थे वही किए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दुपट्टे को इक्वल साइड पे लीजिए, इक्वल दोनों तरफ बांटिए और उसे एक तरफ पिन करिए। मैंने सभी पिन आउटर साइड में किए हैं बाहर की तरफ, क्योंकि शरण्या अभी जस्ट 2 साल की ही हुई है, जुलाई में ही उसने अपना 2 साल कंप्लीट किया है। सो मुझे ही थोड़ा सा डर लगता है। उसके बाद आप एक साइड के दुपट्टे को, मतलब लेफ्ट साइड के दुपट्टे को पैरों के नीचे से ले जाकर पीछे की तरफ पिनअप करिए, कुछ इस तरीके से। आप इसे देखिए और ये चुटकियों में आपका धोती तैयार। उसके बाद हम यहाँ पिनअप करेंगे। आप कोशिश करिए कि ब्राइट कलर से दुपट्टे लीजिए, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब कान्हा के गेटअप पे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ के पैरों से ले जाकर भी इस दुपट्टे को कुछ इस तरीके से पिनअप कर लीजिए। आप एक देखिए, एक राइट की तरफ था, एक पैर लेफ्ट की तरफ था, बट ये थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो मैंने इसे ही लेफ्ट की तरफ ले गया और वहाँ जाके मैंने उसे पिनअप कर लिया। और इसमें शरण ने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी तो थोड़ा ईजी गया, बट मुझे पिन लगाते वक्त ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा था तो मैंने कोशिश किया कि आराम आराम से पिनअप करूँ। उसके बाद मैंने पीछे के दुपट्टे को ले जाके राइट साइड पर लगा दिया और इसे भी मैंने पिन करके सिक्योर कर लिया। उसके बाद मैंने इसे एक कमरबंद से प्यारा सा लुक दिया, क्योंकि थोड़ा मैसी लग रहा था, पिन भी ऊपर की तरफ था तो थोड़ा अच्छा लुक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे इस तरीके से लगा लिया। उसके बाद मैंने दूसरा कमरबंद था जो मेरे पास वाइट वाला, ये वाला मोती वाला, ये भी मेरे पास कमरबंद ही था, बट कान्हा के गेटअप में लंबे हार बहुत ही प्यारे लगते हैं तो मैंने इसलिए अपना कमरबंद उसके गले पे ही पहना दिया था। और मैंने छोटा सा नेकलेस भी पहना दिया कि वो अच्छा लगे। इसके बाद मेरे पास बांसुरी के लिए कुछ नहीं था तो मैंने उसका एक खिलौना था वही मैंने उसको रबर बैंड लगाया और यूज़ कर लिया। उसके बाद हाथ में पहनाने के लिए मैंने राखी यूज़ किया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये हाथ में पहनने के बाद। तो मैंने यहाँ सभी चीज़ें DIY नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ वही सब चीज़ों जो प्रॉपर कान्हा के गेटअप के लिए नया यूज़ करके घर पे जो थोड़े मोड़े चीज़ रखी हुई थी, जैसे राखी हो गया, कमरबंद हो गया, चुन्नी हो गई, वो मैंने यूज़ किया। और मैंने उसके बाद मैंने उसको एक चोटी बनाई, बिंदी लगाई और ईयरिंग था जो मेरे पास, मैंने बताया था आपको कि मोर पंख नहीं है तो मैं ईयरिंग पहनाऊंगी, तो मैंने उसको ईयरिंग पहनाया। उसके बाद उसने, ये उसका फाइनल लुक है और उसे ये फाइनल लुक तो होने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा और वो अपनी मोतियों के मालों से खेल रही थी, सोच रही थी, देख रही थी, ऑब्जर्व करी थी कि इतना ये क्या है। शायद उसको लास्ट ईयर भी याद आया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी उसने सेम यही चीज़ें पहनी थी। तो ये हुआ इसका फाइनल लुक। सो आप चेक करिए, ये इसका फाइनल लुक जिसमें वो थोड़ी सी गुस्सा है। और उसके बाद ये वाले में भी लुक में वो थोड़ी सी तो गुस्सा थी, बट ओके लग कर रही थी। तो ये इसका फाइनल लुक होता है ये। एंड आपको ये कैसा लगा ज़रूर से बताइए। ये पूरा उसने जो मुझको हेल्प किया पहनने में, उसके बाद मैंने उसको एक चॉकलेट दिया, वही चॉकलेट जो वहाँ इन्जॉय कर रही थी स्टार्टिंग में, तो मैंने उसको वो यही चॉकलेट दिया था जिसको वो मुझको बोल रही थी मामा ओपन, तो मैंने ओपन करके उसको दे दिया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा पक्के से बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।